नमस्कार, मैं राजकुमार श्री अरविंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको भविष्य सृजन के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है उद्देश्य बनाना। बच्चों को उद्देश्य की तरफ अग्रसित करने के लिए और उनके भविष्य का एक टारगेट सेट करने के लिए इस नवाचार को अपने विद्यालय में नवाचारी शिक्षक ने अपनाया। इस उद्देश्य बनाने के नवाचार के माध्यम से शिक्षक उनकी जो भी एम्बिशंस हैं उनमें एक फ्यूल का काम करते हैं। उनके द्वारा जो टारगेट सेट किया गया है उसके लिए निरंतर वो आगे कैसे बढ़ते रहें, उसके लिए नवाचारी शिक्षक उन्हें प्रेरित करते हैं। इसके लिए नवाचारी शिक्षक ने उन्हें छोटे छोटे क्वेश्चनों का एक पेपर दिया, जिसमें सभी बच्चों को अपनी इच्छा से लिखना था। जैसे आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो, आपका रोल मॉडल क्या है, आप ये भविष्य क्यों चुनना चाहते हैं। अब जब इन क्वेश्चनों को जवाब लिखने के लिए बच्चों को दिया गया तो उन्हें अपने क्वेश्चन पेपर या अपनी बुक्स के अलावा कहीं और जाकर सोचना पड़ा। उन्हें सोचना पड़ा कि हम भविष्य में करना क्या चाहते हैं, और काफी सोच समझ करके उन्होंने अपने मन की बात उस पेपर पे लिखी। नवाचारी शिक्षक ने सभी पन्नों को वापस लिया और बहुत ध्यान से पढ़ा। शिक्षक ने जब ये सारी जानकारी पढ़ ली, उन्होंने वन बाय वन हर एक स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग की। उन्होंने बच्चों से पूछा कि आप ये बनना चाह रहे हो, जैसे उदाहरण के लिए किसी बच्चे ने कहा मैं बड़ा होकर के शिक्षक बनना चाहता हूँ। नवाचारी शिक्षक ने उसे बताया कि ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आपने इसे चुना है, तो पढ़ाने का मतलब केवल शिक्षक बनने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को पढ़ा दिया जाए, याद करवा दिया जाए, लिखवा दिया जाए, सिर्फ इतना ही नहीं होता है। हम एक राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के नाम सुना है आपने, वो भी एक शिक्षक थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई को इतने अच्छे लेवल तक किया कि वो देश के प्रथम पुरुष या राष्ट्रपति भी बन गए। तो हमें भी अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाना है, आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से इन वचनों के साथ उन्होंने शिक्षक को बच्चों को मोटिवेट किया। अब साथ में जब बच्चे अच्छी तरीके से मोटिवेट हो गए, उन्होंने एक कागज पर एक कार्ड के ऊपर बच्चे का नाम लिखा, उसके द्वारा चुना गया उसका ड्रीम लिखा, साइड में उसकी फोटो लगाई और साथ में एक रोल मॉडल की फोटो लगाई। अब उन्होंने कहा कि बेटा जैसे आपका नाम राम है और आप क्या बनना चाह रहे हो, डॉक्टर राधाकृष्णन की तरह शिक्षक बनना चाह रहे हो, तो अब आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और जब ये बच्चों को ये कार्ड दिया गया, बच्चों ने अपने रोल मॉडल के कार्ड अपनी डायरी में चिपकाए, जिससे जब भी वो डायरी देखते वो उससे प्रेरित होते और अपने भविष्य के लिए वर्किंग करते और मेहनत करते। दूसरी चीज, नवाचारी शिक्षक ने बच्चों का एक एनुअल कार्ड भी बनाया, जिसमें बच्चों को ये बताया गया कि आप आगे कितने मार्क्स लेना चाह रहे हो इस साल के एंड तक, जितने मार्क्स लेना चाह रहे हो, अब बच्चे का नाम, उस साल का नाम, साल का ईयर लिखा, फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद में जितने बच्चे डिजाइड कर रहा है, बच्चा चाह रहा है कि कितने मार्क्स चाहिए उतने परसेंट लिखा, और साइड में जितने उसने प्राप्त किए उतने परसेंटेज लिखे। अगर बच्चा प्राप्त कर रहा है उतने परसेंटेज या उससे अच्छे, तब तो वेल एंड गुड, उसे प्रोत्साहित किया, और अगर नहीं कर रहा है तो उसे और मोटिवेट किया ताकि वो अपने भविष्य के लिए और सजग होकर मेहनत करे। यह एक रोचक गतिविधि है। हम आशा करते हैं आपको ये गतिविधि पसंद आई होगी, आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।